गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3 नीट का। 1 मिनट रुको। क्या के बन है क्वेश्चन में? ये बताया तो था कल की क्लास में, जी एच और सी का अजिंक्य। ये कल की क्लास में बताया तो था। तुमने तब नहीं बोला दोबारा? पूरी क्लास में थे ना हम लोग। ये तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था। E इक्वल टू जी का पावर ए, एच का पावर, सॉरी पी, एच का पावर क्यू और सी का पावर आर। तभी ज्वाइन हो जाए तब तक मैं बता देता हूँ। डायमेंशन ऑफ ई क्या रहेगा? M1 L2 T-2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ जी की पावर पी, यानी जी कितना? M-1। इसकी पावर पी, एच होता है M1 L2 T-1, इसकी पावर क्यू और सी की पावर आर, यानी L1 T-1 की पावर आर। तो ये ओवरऑल आंसर आएगा एम की पावर -3 प्लस क्यू एल की पावर 3 पी प्लस 2 क्यू प्लस आर और टी की पावर -2 पी माइनस क्यू माइनस आर। ये हो गया M1 L2 T-2। -3 प्लस क्यू कितना आ रहा है? 1। 3p प्लस 2q प्लस 2r कितना? 2q प्लस r कितना आ रहा है? 2। और -2p माइनस क्यू माइनस आर कितना आ रहा है? -2। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 2। और ये आ रहा है 3p प्लस 2q प्लस r इज इक्वल टू 2। दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे, इक्वेशन नंबर 2 -3, तो ये आंसर क्या आएगा? पी
प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आ रही है माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। दोनों को ऐड करोगे तो यहां से आ गया 2q इज इक्वल टू 1, q कितना आ गया 1/2, q कितना आ गया 1/2, q 1/2 आ गया तो p कितना -1/2। ठीक है, अब r का वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है सभी को? अजिंक्य क्लियर? चल अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं रियल में। चल सबसे पहले किसका किया जाए बताओ, वोटिंग करते हैं आज। जेई का पहले करें या नीट का पहले करें डिस्कशन? नीट जेई, नीट जेई, नीट जेई ऐसे ही करोगे मुझे पता है तुम लोग। चलो कल नीट का पहले हुआ था, आज जेई का पहले करते हैं। कल नीट का पहले किया था डिस्कशन, आज जेई का पहले करते हैं। ठीक है, क्योंकि जेई का यदि डिस्कशन टाइम पे खत्म हो गया तो मेरे पास बाद में टाइम बच जाएगा। हाँ वही तो मैंने किया है, आज जेई का डिस्कशन पहले करते हैं। चलो तो जेई वाले सभी एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 असाइनमेंट दिया था मैंने। सभी को ठीक है। नीट वाले तैयार रहना, थोड़ी देर में ही तुम्हारा फिर से डिस्कशन है, 10 से 15-20 मिनट बाद, मैक्सिमम 20 मिनट बाद तुम्हारा डिस्कशन होगा। चलो जेई वाले सभी अपना अपना भेजो पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। और जेई वाले सभी अपने अपने डाउट भेजो जल्दी। पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और बताओ, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी बताना है। और साइक किस कौन से का क्वेश्चन नंबर 1 बताना है, पार्ट 1 का या 2 का? पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों बताने हैं। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी बताना है, 3 भी बताना है। और बाकी सभी और डाउट बताओ। 7 तक और कोई डाउट नहीं है बोलो? उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 और 3 के अलावा 7 तक और कोई डाउट है पार्ट 2 में? नहीं? बहुत अच्छा, क्या बात है। साई का क्वेश्चन नंबर 4 भी बताना है, 7 भी बताना है, 7 भी बताना है। ठीक है बता देंगे। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ठीक है चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं किस पर, पार्ट 1 क्वेश्चन 1। P इज इक्वल टू nRT अपॉन V माइनस B, P इज इक्वल टू nRT अपॉन V माइनस B e की पावर ए अपॉन आर टी वी, ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी वी बोलो क्लियर है? अब एक बात बताना सभी ध्यान से, क्या मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये पूरा डायमेंशनलेस होता है? ई की पावर हमेशा कैसी होती है? डायमेंशनलेस। तो क्या ए अपॉन आर टी वी क्या ये डायमेंशनलेस होगा? ये क्या होगा? डायमेंशनलेस। तो क्या डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू होना चाहिए डायमेंशन ऑफ आर टी वी? डायमेंशन ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ आर टी वी के, बोलो क्लियर? तो बस डायमेंशन ऑफ आर पता है, गैस कांस्टेंट।
टेम्परेचर होता है, ये वॉल्यूम। डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट क्या होता है? जूल पर मोल पर केल्विन, यानी कि M1 L2 T-2 इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बोलो क्लियर है? टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर रहता है केल्विन इंटू वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम होता है L3। क्या इनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है? के तो कैंसिल आउट। ओवरऑल आंसर क्या आ गया? M1 L5 T-2 और मोल इनवर्स। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर? बोलो क्लियर है सभी को? और क्या ये दोनों तो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए? यदि सब्ट्रैक्ट हो रही है तो क्या होना चाहिए? सेम क्वांटिटी। तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी कितना? L3। बोलो क्लियर है? डायमेंशन ऑफ बी कितना आ गया? L3। क्लियर? बोलो आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है? चलो नोट करो जल्दी, सभी नोट करो जल्दी। सभी नोट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो। चेतन एक बार दोबारा रिज्वाइन करो। चेतन दोबारा रिज्वाइन करो। नोट कर लिया सभी ने? बोलो सभी ने नोट कर लिया? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। चल अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना, सभी ध्यान से, सभी ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 देखना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है। पहले तो ये देखो, x इज इक्वल टू क्या गिवन है? ए साइन ओमेगा टी। अब एक बात बताना, क्या साइन के अंदर का फंक्शन डायमेंशन लेस होता है? ओमेगा टी कैसा होना चाहिए? डायमेंशन लेस। क्या बात क्लियर? ओमेगा टी कैसा होना चाहिए? डायमेंशन लेस। तो क्या मैं लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ ओमेगा इंटू डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू M0L0T0। M0L0T0। तो क्या डायमेंशन ऑफ ओमेगा आ गया T-1। बोलो क्लियर है सभी को? डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या आ गया? T-1। अब हमें क्या गिवन है? कि ओमेगा किस किस पर डिपेंड कर रहा है? रेडियस पर। तो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर ए। और किस पर डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द रिंग, यानी एम का पावर बी। और किस पर डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, यानी जी का पावर सी। बोलो क्लियर है? यदि इस तरह से डिपेंड कर रहा है तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ आर का पावर ए, डायमेंशन ऑफ एम का पावर बी इंटू डायमेंशन ऑफ
जी का पावर सी, क्लियर। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा तो क्या हो गया, टी माइनस वन आर, क्या एल का पावर ए आएगा, एम, क्या एम का पावर बी, और जी पर लिखोगे क्या जी बनेगा एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू का पावर सी। बोलो क्लियर है यहां तक, क्लियर। बोलो क्लियर है सभी को यहां तक, बताओ सभी को क्लियर है। चलो अब क्या यहां से ओवरऑल एम का पावर आ रहा है बी माइनस सी, एम का पावर कितना आ रहा है बी माइनस सी, एल का पावर ए प्लस थ्री सी, और टाइम का पावर माइनस टू सी। बोलो क्लियर। और ये किसके इक्वल, टाइम का और माइनस वन के, क्या ऐसे लिख सकते हो माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस वन, इक्वेशन नंबर वन। बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, और क्या ए प्लस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो, यहां से सी कितना आ गया वन बाई, सी कितना आ गया वन बाई टू, बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है सी, यानी बी का वैल्यू कितना वन बाई टू, और ए प्लस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो, क्या ए इज इक्वल टू आ गया माइनस थ्री सी यानी माइनस थ्री बाई टू। बोलो क्लियर है सभी को, ए कितना आ गया माइनस थ्री बाई टू। चलो नोट करो सभी, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू नोट करो। सभी नोट करो ये क्वेश्चन, सभी ये क्वेश्चन नोट करो। कर लिया सभी ने, बोलो नोट कर लिया। बताओ हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट। भी जल्दी नोट करो, हो गया। चलो पार्ट टू, और पार्ट टू का कौन सा क्वेश्चन नंबर वन, एफ इज इक्वल टू ए साइन सी टी प्लस बी कॉस डी एक्स, एफ इज इक्वल टू ए साइन सी टी प्लस बी कॉस डी एक्स, यही की बात है। एक बात बताना सभी ध्यान से, एक बात बताओ क्या सी टी डायमेंशन लेस होना चाहिए, सी टी क्या होना चाहिए डायमेंशन लेस, और क्या सेम ऐसे ही डीएक्स भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। बोलो डायमेंशन लेस, क्या है बात क्लियर। यदि सी टी और डायमेंशन डीएक्स डायमेंशन लेस है तो एक बात बताना क्या सी टी अपॉन डीएक्स भी डायमेंशन लेस होगा, सी टी अपॉन डीएक्स भी क्या होगा डायमेंशन लेस। बोलो क्लियर। तो क्या डायमेंशन ऑफ सी अपॉन इनटू डायमेंशन ऑफ टी
अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्स, सॉरी डायमेंशन ऑफ डी इंटू डायमेंशन ऑफ एक्स। क्या ये अभी भी डायमेंशन लेस है? ये अभी भी क्या है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, बोलो क्लियर है? तो डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी क्या आ रहा है, डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डायमेंशन ऑफ डी। क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आया, डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन डायमेंशन ऑफ टी, डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन डायमेंशन ऑफ टी, बोलो क्लियर? अब एक्स का डायमेंशन क्या एल वन आएगा और टी का डायमेंशन टी वन, क्या ओवरऑल आंसर आ गया एल वन टी माइनस वन? बताओ ओवरऑल आंसर क्या आ गया, एल वन टी माइनस वन। क्लियर है सभी को? क्या डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी आ चुका है? डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी। एक बात बताना, क्या यहां से तुम बोल सकते हो डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ बी इक्वल होना चाहिए? बताओ डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ बी। क्यों? क्योंकि क्या ये दोनों तो डायमेंशन लेस है, ये दोनों तो क्या है डायमेंशन लेस, और यदि हम एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे से ऐड, क्या दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए? दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ बी। तो क्या डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ बी, क्या ये डायमेंशन लेस था? बोलो ये क्या आएगा, डायमेंशन लेस। क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर? बताओ क्लियर है सभी को? नोट करो, सभी नोट करो जल्दी। नोट करो, सेकंड पार्ट को रिपीट करना है। एक बार ध्यान से सुन लेना मैंने क्या बोला, कि साइन सी टी और कॉस डी एक्स ये दोनों तो कैसे हैं, डायमेंशन लेस, लेकिन क्या ए के साथ मल्टीप्लाई होके ये ऐड हो रहे हैं, और दो फिजिकल क्वांटिटी यदि ऐड होती हैं तो क्या उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए? सी टी भी डायमेंशन लेस है, डी एक्स भी डायमेंशन लेस, तो क्या डायमेंशन ऑफ ए और बी का इक्वल होना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ बी। क्लियर? नोट कर लिया सभी ने? बोलो क्या सभी ने नोट कर लिया? नोट करो, नोट करो सभी। कर लिया नोट? बोलो नोट कर लिया? हो गया, सभी ने नोट कर लिया? बोलो नोट कर लिया सभी ने? चल आप क्वेश्चन नंबर थ्री, इसी का कौन सा क्वेश्चन नंबर थ्री, ए और बी डायमेंशन लेस नहीं है, ए अपॉन बी डायमेंशन लेस है। ए और बी डायमेंशन लेस नहीं है, ए अपॉन बी डायमेंशन लेस आया है। एक बार सही से देखो, ए अपॉन बी डायमेंशन लेस है, ए और बी डायमेंशन लेस नहीं है, ठीक है? चलो
क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या गिवन है? ये साइन गिवन है एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x - x² इज इक्वल टू ए की पावर एन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही गिवन है -1। चल यदि ये क्वेश्चन हमें गिवन है तो मैं बहुत सिंपल सिंपल डिस्कशन करता हूं। एक बात बताओ, क्या ये डायमेंशनलेस होना चाहिए? एक्स अपॉन ए -1 क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। बोलो क्लियर है? बोलो एक्स अपॉन ए क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस, क्योंकि 1 तो डायमेंशनलेस है। क्या डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए आना चाहिए? बताओ डायमेंशन ऑफ एक्स क्या आना चाहिए? डायमेंशन ऑफ ए के इक्वल। क्या तभी यह डायमेंशनलेस बन सकता है? बताओ सभी, क्लियर है यहां तक? बोलो क्लियर है? तो डायमेंशन ऑफ एक्स और डायमेंशन ऑफ ए क्या हो गया? इक्वल। यहां से देख रहा, क्या डायमेंशन ऑफ एक्स मैंने कुछ भी मान लिया, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, क्या मान लिया? m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। तो यहां से क्या आ रहा है? क्या x की डायमेंशन आ रही है m a l b t c? m a l b t c, क्लियर? और क्या dx का भी सेम डायमेंशन रहेगा? dx का भी क्या होगा? सेम डायमेंशन रहेगा, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर सी। बोलो क्लियर, बताओ क्लियर है सभी को? अपॉन, अब यहां पर अंडर रूट में 2 तो डायमेंशनलेस, ये दोनों इक्वल डायमेंशन है। क्या मैं इसे लिख दूं? एम की पावर ए, एम की पावर 2a, एल की पावर 2b, टी की पावर 2c। बोलो क्लियर है? इज इक्वल टू ए की पावर एन, ए की पावर एन, ए मतलब एम ए एल वी टी सी। बोलो क्लियर? क्या ये डायमेंशन वाइज मैंने सही लिखा है? बोलो डायमेंशन वाइज मैंने क्या लिखा है? ये सही लिखा है? क्लियर है यहां तक सभी को? तो एक बात बताना, जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा क्या पावर वो हाफ हो जाएंगी? जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या पावर हाफ हो जाएंगी? बोलो सभी, एक बात बताओ, 2a पावर कैसे आया? x का पावर सेम है और a का पावर भी सेम है, तो दोनों को यदि मल्टीप्लाई करोगे तो m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c इंटू m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c। क्या यहां से m का टोटल पावर आ रहा है? a प्लस a, टी का पावर बी प्लस बी, सॉरी सी प्लस सी, और एल का पावर बी प्लस बी। बोलो क्लियर? फिर आ तो गया, अब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो पावर हाफ हो जाएंगी। तो ये आ गया एम का पावर 2a, एल का पावर 2b, टी का पावर 2c अपॉन एम ए एल बी टी सी। एम का पावर a, एल का पावर b, टी का पावर c इज इक्वल टू एम का पावर ए प्लस एल का पावर बी, टी का पावर सी का पावर एन। अब यदि इससे देखोगे तो ये पावर ऊपर जाकर क्या हो रही है? सब्ट्रैक्ट। तो क्या रह रहा है? एम ए एल बी टी सी, एम ए एल बी टी सी इज इक्वल टू एम ए का पावर प्लस एल बी टी सी का पावर एन। क्या इसका हॉल पावर सिर्फ हमें 1 दिखाई दे रहा है? इसका हॉल पावर हमें कितना दिखाई दे रहा है? 1। तो एन कितना आ गया? 1। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ सभी को क्लियर? बोलो सभी को क्लियर है? चलो नोट करो सभी जल्दी, सभी जल्दी नोट करो।
सभी नोट करो जल्दी। ओके, मैंने क्या बोला कि यदि हम फोर्स में से फोर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या लास्ट भी फोर्स ही आता है, बाद में भी क्या आता है, फोर्स। तो क्या उसका यूनिट और डायमेंशन तो अभी भी फोर्स का ही रहता है? उसका यूनिट और डायमेंशन तो किसका रहता है, फोर्स का। तो इसी तरह 2x में से एक्स स्क्वायर को हटा दूंगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन क्या डायमेंशन तो अभी भी सेम रहेगी? डायमेंशन तो अभी भी क्या रहेगा, सेम। क्लियर है? चलो नोट करो सभी, सभी नोट करो, सभी नोट करो। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? हो गया? चल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सॉरी 4 भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 4, अल्फा इजिकल टू 2ma अपॉन बीटा, अल्फा इजिकल टू 2ma अपॉन बीटा इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 2 बीटा l, लॉग ऑफ 1 प्लस 2 बीटा l अपॉन m। बोलो क्लियर? यही क्वेश्चन गिवन है। फाइंड द यूनिट ऑफ अल्फा, यूनिट ऑफ अल्फा। अब एक बात बताना सभी ध्यान से, क्या यहां पर जो हमें क्वांटिटी गिवन है Ba2Bl अपॉन Ma, ये लॉग के अंदर है, तो क्या ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होनी चाहिए? ये पूरी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। क्लियर? यदि ये डायमेंशनलेस है तो क्या इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 2βl अपॉन Ma, 2βl अपॉन Ma, क्या ये भी डायमेंशनलेस है? बोलो क्लियर? अब शॉर्ट में बताऊं या बहुत बड़ा करके बताऊं इसे, तुम लोग बताओ, शॉर्ट में बताऊं या बहुत बड़ा करके बताऊं? क्योंकि लॉग के अंदर है ना, मैंने पहले लिखाया था लॉग, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस। तो ये पूरी क्वांटिटी कैसी होगी, डायमेंशनलेस। ये तो डायमेंशनलेस है ही, क्या इसको भी डायमेंशनलेस रहेगा? तो यहाँ पर 2bl अपॉन m क्या आ गया, डायमेंशन है। अब एक बात बताओ, क्या डायमेंशन ऑफ अल्फा ये सिर्फ इक्वल रहेगा किसके, डायमेंशन ऑफ m अपॉन बीटा के? बोलो, डायमेंशन ऑफ अल्फा किसके इक्वल रहेगा, 2ma अपॉन बीटा के। क्लियर है?
तो क्या यहां से मैं एक और चीज लिख सकता हूं, यदि 2bl अपॉन ma डायमेंशन लेस है तो क्या ma अपॉन 2bl भी डायमेंशन लेस होगा? बोलो। बोलो तो यहां से देख रहा मैंने क्या लिखा, डायमेंशन ऑफ एम ए अपॉन बी इंटू डायमेंशन ऑफ एल इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो डायमेंशन ऑफ एम ए अपॉन बी कितना आ रहा है, डायमेंशन ऑफ एम ए अपॉन बी कितना आ रहा है? यह आ रहा है एम जीरो एल जीरो एल माइनस वन टी जीरो। बोलो क्लियर है? एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो, क्लियर। तो एम ए अपॉन बी यहां पर गिवन है, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, अल्फा का एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो, एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो। बोलो क्लियर, बताओ क्लियर है सभी को? ठीक है, बोलो क्लियर है? तो टू तो डायमेंशन लेस है ना, टू तो एक नंबर है, टू से तो हमें कोई मतलब नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया। यहाँ पे तो ये नीचे है ना, वन अपॉन आएगा, ये यहाँ पे ये आएगा। थोड़ा सा एक मिनट, वन अपॉन डायमेंशन ऑफ एल एम जीरो एल वन टी जीरो। हाँ अब सही है। अब क्लियर है? वो मैंने एल को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया था, वो गलत हो गया। ठीक है, नोट करो आप सभी, सभी नोट करो। सभी नोट करो। कर लिया नोट? बोलो नोट कर लिया सभी ने? बताओ क्या सभी ने नोट कर लिया? चलो कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन है, इफ द पैरामीटर अल्फा इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन सिग्मा थीटा की पावर 4। सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट। ये तुम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और थीटा क्या है, टेम्परेचर। थीटा क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, बोलो क्लियर है सभी को? देन द डायमेंशन ऑफ अल्फा यूनिट ऑफ अल्फा मे बी। चलो अब तुम लोगों ने स्टीफन कांस्टेंट नहीं पढ़ा है, तुम लोगों ने क्या नहीं पढ़ा है, स्टीफन कांस्टेंट। तो सभी लोग ये लिख लेना, सभी लोग ये लिख लेना, स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिग्मा से। जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। बोलो क्लियर है? हाँ
हाँ नीट वाले भी, क्योंकि ये आता सभी के लिए, बाद में आएगा सभी के लिए। कौन सा चैप्टर में? ये थर्मोडायनेमिक्स में आता है, हीट ट्रांसफर में। ठीक है, चलो लिखो। Q इज इक्वल टू होता है सिग्मा ए टी की पावर 4। जनरल फॉर्मूला ये है, सिग्मा ए टी की पावर 4। ये होता है स्टीफन कांस्टेंट। यहाँ पर सिग्मा क्या है? स्टीफन कांस्टेंट। Q क्या है? हीट। Q क्या है? हीट या एनर्जी बोल दो अभी के केस में। T क्या है? टेम्परेचर। ई क्या होता है? एमिसिविटी। ई क्या होता है? एमिसिविटी। ठीक है, बोलो क्लियर है सभी को? बोलो ये क्या है? एरिया। और सही लिखो तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर लो। टी क्या है? टाइम। अब बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, ये रियल में फॉर्मूला रहता है, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। तो पूरा फॉर्मूला कैसे रहता है? डी क्यू बाई डी टी, ये एमिसिटिवी में मतलब, जैसे अभी तो मैं बताऊं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये लाइट के कुछ अमाउंट ऑफ पार्ट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। कुछ अमाउंट ऑफ पार्ट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और कुछ को क्या करता है? उस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इसने स्टोर की है उसे बाद में ये रिलीज करता है, उसे बाद में ये रिलीज करता है। तो एमिसिविटी होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज अपॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी टोटल एब्जॉर्ब, टोटल एनर्जी और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, उन दोनों का रेशियो होता है एमिसिविटी। ठीक है, ये डायमेंशन लेस है। ये अभी तुम्हारे लिए मैं बता देता हूँ ये कैसा है, डायमेंशन लेस लेस। क्लियर? तो यहां से जो सिग्मा आता है वो आता है क्यू अपॉन ए टी टी की पावर 4 इंटू ई। बोलो क्लियर है सभी को? क्यू अपॉन ए टी टी की पावर 4 इंटू ई। क्यू क्या है? एनर्जी, यानी इसका डायमेंशन एम वन एल टू टी माइनस टू। एरिया एल टू। टी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का कितना होगा? सॉरी, टी टाइम है यानी टी वन, टेम्परेचर यानी थीटा की पावर 4। बोलो क्लियर है? क्या यहाँ से सिग्मा का आ जाएगा? यहाँ से किसका आंसर आ रहा है? सिग्मा का। बोलो क्लियर है सभी को? तो कितना आ गया? एम वन एल जीरो टी माइनस 3 के माइनस 4। टेम्परेचर का डायमेंशन तो के रहता है ना, केल्विन का के से। टेम्परेचर को थीटा से, यहाँ डायमेंशन में थीटा से। सही है, बोलो क्लियर है सभी को? एम वन टी माइनस 3 थीटा माइनस 4। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्या सभी को क्लियर? तो पहले स्टीफन कांस्टेंट का लिख लो सभी। पहले सभी किसका लिख लो? स्टीफन कांस्टेंट। उसके बाद तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे अब। हाँ आराम से नोट करो सभी लोग, स्टीफन कांस्टेंट का लिख लो। एच अपॉन सिग्मा
क्यू इजिक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 × t। क्यू इजिक्वल टू सिग्मा ए ही टी की पावर 4 × t। कर लिया। नीचे क्यू अपॉन ए इंटू टाइम, ये टाइम है, ये क्या है टाइम, क्यू अपॉन ए टी इंटू टी की पावर 4 × e। डायमेंशन लेस होता है, एमिसिविटी डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस है, एमिसिविटी डायमेंशन लेस होता है। और कुछ लिख लिया सभी ने, बोलो, सभी ने नोट कर लिया। T1 के बाद क्या है, थीटा की पावर 4। टेम्परेचर को तो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये स्टीफन कांस्टेंट का टाइम है, मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूनिट क्या है इसका, किसका यूनिट, स्टीफन कांस्टेंट का, जूल पर मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर 4, जूल पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 सेकेंड। जूल पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 सेकेंड, ठीक है। बोलो, ठीक है सभी को। हो गया। हाँ, जूल पर सेकेंड को वॉट भी कह सकते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर। बोलो, क्लियर है सभी को यहां तक, तो मैं आगे बढ़ू। चलो देखना आप क्या गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन सिग्मा थीटा की पावर 4। तो डायमेंशन ऑफ सिग्मा, जो डायमेंशन ऑफ अल्फा आएगा वो आएगा डायमेंशन ऑफ एच अपॉन डायमेंशन ऑफ सिग्मा इंटू डायमेंशन ऑफ थीटा की पावर 4। थीटा टेम्परेचर है, तो डायमेंशन ऑफ एच क्या होता है, m1 l2 t-1, m1 l2 t-1 अपॉन सिग्मा। सिग्मा का डायमेंशन अभी क्या आया, m1 t-3 θ-4 इंटू थीटा की पावर 4। बोलो क्लियर, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल, m1 से m1 गायब। ये आ गया l2 × t2, l2 × t2, डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या आ गया, l2 × t2। तो क्या यहां से इसका यूनिट लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। बोलो यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। बोलो, अब यूनिट ऑफ अल्फा में भी वेबर इंटू ओम स्क्वायर अपॉन फेराड स्क्वायर टेस्ला, ये सोचने वाला चीज है, ये सोचने वाला चीज है, क्या यूनिट क्या हो सकता है, वेबर इंटू ओम स्क्वायर, यदि इसको तुम कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें,
इसे तो मैं क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू फेराड स्क्वायर अपॉन टेस्ला। चलो लिखते हैं, सभी सभी को लिखते हैं, आंसर आ जाएगा। वेवर, क्या वेवर फ्लक्स का यूनिट है? बोलो वेवर किसका यूनिट है? फ्लक्स का। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ बी इंटू ए? फॉर्मूला वाइज क्या लिखूंगा? बी इंटू ए। ये क्या है? ओम। क्या ये वी अपॉन आई होगा? वी अपॉन आई। ये क्या है? फेराड। क्या फेराड कैपेसिटेंस का यूनिट है? इसे क्या लिख सकता हूँ? क्यू अपॉन वी। क्यू अपॉन वी का होल स्क्वायर। ये भी होल स्क्वायर अपॉन वी। बी से बी कैंसल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसल, क्यू अपॉन आई, ये बनता है टी। तो यार है एरिया इंटू टी स्क्वायर। एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। क्या सेम बना? बोलो क्या सेम आया? और सेम आया तो क्या इक्वल है? बोलो सेम आया तो क्या है? इक्वल। बोलो क्लियर है? बताओ सभी क्लियर है? बोलो नोट करो सभी, सभी नोट करो, सभी नोट करो। ठीक है नोट करो, 1 मिनट बाद। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है जी। टेस्ला का यूनिट नहीं होता, टेस्ला खुद मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। फेराड कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, लिखाया है मैंने क्यू इजिकल टू सी बी। मैंने लिखाया हुआ है क्यू इजिकल टू सी बी। तो वहां से लिखा है मैंने क्यू सी इजिकल टू क्यू बाई बी। ठीक है हो गया। बोलो कर लिया नोट सभी ने? बताओ। चलो इसका फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं, तुम्हारा खत्म हो जाएगा। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट का यूनिट तुम्हें बताया था मैंने, डायमेंशन ऑफ आर। यदि तुम लिखोगे तो क्या होगा? जूल यानी m1 l2 t-2 अपॉन मोल अपॉन केल्विन। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर है सभी को? ये जूल पर केल्विन पर मोल। डायमेंशन ऑफ आर हो गया, डायमेंशन ऑफ आई यानी ए वन, और डायमेंशन ऑफ आई क्या होता है? बी इंटू ए। और बी का क्या होता है? बोलो बी का क्या होता है? m1
L1T-1 इंटू A1T1 यही रहता है। T1 से T1 गायब, एरिया का L2। तो डायमेंशन ऑफ पाई कितना हो गया, M1 L2 T-2 A-1। बोलो क्लियर है। R गिवन है, I गिवन है और फाई गिवन है, तो क्या हम निकाल सकते हैं? बोलो, R गिवन है, I गिवन है और फाई गिवन है, तो क्या मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर लूं? M1 L2 T-2 अपॉन K और या मोल इंटू A1 अपॉन M1 L2 T-2 A-1। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये आया A2 अपॉन केल्विन मोल। क्या ये गलत है? बोलो, ये तो क्या है, गलत। समझ में आ गया सभी को? बोलो क्या ये सभी को क्लियर है? चलो तो यहाँ पर जेई वालों का डिस्कशन खत्म होता है। नीट वाले एक्सरसाइज 2 ओपन करो जल्दी। क्या हुआ तन्वी, बोलो तन्वी, बोलो। समझ में नहीं आया? देखो आर क्या है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का डायमेंशन मैंने लिखाया हुआ है M1 L2 T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। करंट, करंट का डायमेंशन होता है A1। और फाई मैग्नेटिक फ्लक्स, यदि नोट्स देखोगे तो वहां पर मैंने लिखाया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक और बार डिराइव कर दिया। कितना होता है M1 L2 T-2 A-1। अब हमें जो कंडीशन गिवन है, क्या आर आई अपॉन फाई गिवन है? आर इंटू आई अपॉन फाई, क्या मैंने वही किया है? और क्या ये कैंसिल आउट हो गए, ये क्या बन गया A2, लेकिन यहाँ यहाँ पर केल्विन और मोल रह गए, तो क्या ये आंसर गलत आ रहा है? बोलो ये आंसर क्या आ रहा है, गलत। क्लियर? चलो नोट कर लो। और नीट वाले 1 to 24 24 क्वेश्चन है, डाउट भेजो। नीट वाले 1 to 24 में डाउट भेजो। दिया उसका आंसर ए बी सी है, 7 का आंसर ए बी सी, 3 सही है 1 गलत है। आंसर इज ए बी सी, 3 सही है 1 गलत है। सभी डाउट भेजो। 2, 6, 11, 15, 20। वन भी पूछना है? नहीं, मैं तुम लोग पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो मुझे जितना लग रहा है। अभी तुम लोग पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो, मुझे कंफर्म है। 1, 2, 6, 10, 11, 12 सारे क्वेश्चन बता दूं मैं? बोलो सारे क्वेश्चन मैं ही बता दूं? जेई वाले लीव कर सकते हो आज चाहो तो, जेई वाले चाहो तो लीव कर सकते हो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1। आदर्श क्या हुआ, बोलो आदर्श क्या हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है? द बर्नौली इक्वेशन इज पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इज इक्वल टू के, यही गिवन है। ये गिवन है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, पहले के का डायमेंशनल, क्या इन तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए? बोलो
यदि हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम, क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ पी, क्या तुम सभी को पता है पी का डायमेंशन क्या होता है? एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, बोलो क्लियर है? क्या यही डायमेंशन ऑफ के आएगा? यही क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ के, ठीक है? तो डायमेंशन ऑफ के आ गया एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। अब ये किसके इक्वल रहेगा? क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट? वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। तो क्या ये तो आंसर आएगा टी माइनस वन, ये तो कितना आंसर आएगा टी माइनस वन। अब दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट, क्या प्रेशर ग्रेडियंट कभी भी प्रेशर के इक्वल हो सकता है? बोलो, प्रेशर ग्रेडियंट कभी भी प्रेशर के इक्वल नहीं होगा। थर्ड, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस। और यंग्स मॉड्यूलस का क्या रहता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जैसे ही करोगे तो आंसर क्या आएगा? एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर? नोट करो सभी, क्वेश्चन नंबर वन नोट करो। y इज इक्वल टू क्या गिवन है? ए साइन बी टी माइनस स्ट्रेस, स्ट्रेन के ऊपर क्या है? स्ट्रेस। चल अब तुमसे पूछा है बी अपॉन सी का डायमेंशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर टू में क्या पूछा है? y इज इक्वल टू ए साइन बी टी माइनस सी एक्स, देन द डायमेंशन ऑफ बी अपॉन सी। मैंने तुम्हें जेई में अभी ये क्वेश्चन बताया था बच्चों सभी को, क्या ये पूरी टर्म डायमेंशन लेस होनी चाहिए? बी टी भी क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस। और क्या सी एक्स भी डायमेंशन लेस होना चाहिए? बोलो, क्योंकि साइन के अंदर है ना, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? डायमेंशन लेस। यदि दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या अभी भी डायमेंशन लेस ही आएगा? तो बी टी अपॉन सी एक्स अभी भी क्या आएगा? डायमेंशन लेस। और यदि ये डायमेंशन लेस है तो क्या मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ बी इंटू टी वन अपॉन डायमेंशन ऑफ सी इंटू एल वन इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो डायमेंशन ऑफ बी अपॉन सी क्या आ गया? एम की पावर जीरो एल की पावर वन टी की पावर माइनस वन, बोलो क्लियर है? और एल वन टी माइनस वन किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या वेलोसिटी को? बोलो, एल वन टी माइनस वन किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। तो इसका आंसर क्या हो गया? वेव वेलोसिटी। इसका आंसर क्या हो गया? वेव वेलोसिटी, बोलो क्लियर है? बताओ सभी क्लियर है? मैंने अभी क्या बताया था आंजिक्य की जो साइन फंक्शन होता है, जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, सभी डायमेंशन लेस होते हैं। अब यहाँ पर साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये क्या होगा? डायमेंशन लेस। क्लास में बताया है ना ये मैंने? ये क्वेश्चन वेव के ऊपर है, क्योंकि जो ये इक्वेशन है ये वेव का इक्वेशन आता है, ये इक्वेशन वेव का इक्वेशन है। जब तुम चैप्टर पढ़ोगे साउंड वेव स्ट्रिंग वेव वेव ऑप्टिक्स, तब तुम्हें पता चलेगा ये इक्वेशन किसका है, वेव का, ठीक है?
चलो नोट करो, सभी नोट करो, सभी नोट करो जल्दी। तुम्हारा इंटरनेट स्लो है, दोबारा ज्वाइन करो एक बार। गौरी दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा ज्वाइन करो। डायमेंशन ऑफ सी के ऊपर क्या लिखा है? डायमेंशन ऑफ बी, हाँ जी कैसा मत करो, ऊपर से देख के कॉपी किया करो ना। इंटरनेट बहुत स्लो है फिर तुम्हारा। एक बार जो भी जिससे कनेक्ट है राउटर से या मोबाइल से, उसे एक बार दोबारा से बंद करो और फिर से कनेक्ट करो, तब सही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बहुत वेदर का इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से रेंज डिक्रीज हो जाती है। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूनिट लेस? अब एक बात बताना, वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ? वेलोसिटी अपॉन लेंथ, तो वेलोसिटी अपॉन लेंथ यानी मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, तो मीटर से मीटर गायब, क्या है 1/सेकंड आ रहा है, यूनिट है। दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट यानी प्रेशर अपॉन लेंथ, और प्रेशर अपॉन लेंथ करोगे यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। क्या ये आंसर आ रहा है न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब? आंसर कितना आ रहा है न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट यानी कितना, डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर अपॉन ग्रेडियंट यानी मीटर, क्या ये यूनिट लेस आ गया? बोलो, हो गया? ये तो बताने का भी नहीं था, ये क्वेश्चन तो बताने वाला भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर, ओके तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, वेव नंबर, वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? वेव नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से, और ये रहता है 2π/λ। द वैल्यू ऑफ वेव नंबर, क्या हुआ? 1/λ? नहीं, 1/λ नहीं होता है, 2π/λ। ये क्या होता है 2π/λ? ठीक है, बोलो। 2π/λ, तो 1/λ का यूनिट मीटर यानी मीटर इनवर्स, डायमेंशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा एल इनवर्स। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ सभी को क्लियर?
अब एक बात बताना, क्या क्वेश्चन नंबर 6 मैंने तुम्हें लिमिटेशन लिखाया था? मैंने तुम्हें लिमिटेशन लिखाया था, क्वेश्चन नंबर 6 उसी पर क्वेश्चन है। क्या मैंने तुम्हें लिमिटेशन लिखाया था कि डाइमेंशनल एनालिसिस से हम सिर्फ उन्हीं फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं जिनका जो क्या रखते हैं डाइमेंशन। हम साथ में साइन कॉस टेन कॉट या e की पावर या लॉग, इन फंक्शन को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। बोलो क्या मैंने लिखाया था तुम्हें, बताओ क्या बात लिखाई थी, बोलो सभी। मैंने ये बात तुम्हें क्लास में नोट्स में लिखाया है कि हम फंक्शन में ये फाइंड आउट नहीं कर सकते उसमें साइन का फंक्शन है, कॉस का है, टेन का है, e की पावर है या लॉग है, क्योंकि ये सारे फंक्शन कैसे होते हैं, डाइमेंशनलेस। क्लियर है सभी को? तो क्या पहला ऑप्शन देखोगे तो क्या पहला ऑप्शन तुम्हें ई की पावर दिख रहा है? पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है? ई की पावर। तो क्या ई की पावर को हम कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते? ई की पावर को हम कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, बोलो क्लियर। ऐसे ही दूसरा, क्या सेकंड में साइन का फंक्शन है? सेकंड में किसका फंक्शन है? साइन का। हम उसको भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, बोलो क्लियर। थर्ड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, थर्ड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बोलो क्लियर है। लेकिन उसमें भी एक ड्रॉबैक है, थर्ड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन उसमें भी क्या है, एक ड्रॉबैक। उसमें क्या ड्रॉबैक है कि हम कभी भी नहीं, ड्रॉबैक क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू तो ठीक है, ड्रॉबैक थोड़ा सा अलग है। ड्रॉबैक ये है कि हम उसमें कभी भी एडिशन में कौन सी क्वांटिटी उसके साथ आ सकती है, हम ये बता सकते हैं हाँ दोनों का डायमेंशन सेम होगा यदि दोनों ऐड हो रही है, लेकिन दोनों कौन सी क्वांटिटी आ सकती है ये हम नहीं बता सकते। मैंने तुम्हें कभी भी चेक करने के लिए ऐसे इक्वेशन नहीं दिया है, मैंने तुम्हें कभी भी इस तरह से रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए नहीं दिया है कि फाइंड आउट करो कि एनर्जी एक तो मास पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है और एनर्जी आई और ओमेगा पर भी डिपेंड कर रही है। तुम ऐसे रिलेशन को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, तुम ऐसे रिलेशन को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है? तो सी को भी फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। हाँ यदि इसमें से एक ही गिवन होता, या तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर गिवन होता या हाफ एम बी स्क्वायर होता, तब ये बिल्कुल सही होता, बोलो क्लियर है। जब तक क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में है ना तो हमारा आंसर आता है, लेकिन यदि एडिशन में हो गए तो हमारा आंसर कभी भी नहीं आता, ठीक है? चल नोट करो सभी, सभी नोट करो। कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? चलो क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो 8, अगला क्वेश्चन कौन सा, 8। विच इज इन करेक्ट स्टेटमेंट, अब इसे क्या लिखना है? डाइमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, हाँ हो सकती है। डाइमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है? डाइमेंशनली करेक्ट इक्वेशन करेक्ट हो सकती है, मैंने तुम्हें बताया था, और रॉन्ग भी हो सकती है, तो उसने मे बी दिया है, उसने इसलिए क्या दिया है, मे बी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही। ए डाइमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, हाँ ये मैंने तुम्हें करके बताया था, एस इज इक्वल टू 2ut+1/380² नोट से देखो, मैंने ये क्वेश्चन करके बताया, एस इज इक्वल टू 2ut+1/380² डाइमेंशनली करेक्ट है लेकिन मैथमेटिकली रॉन्ग है,
ठीक है, दो एग्जाम्पल लिए थे मैंने, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एस इज इक्वल टू 2 UT+1/3 AT² तो एक तो करेक्ट है और एक क्या है, रॉन्ग। तो डायमेंशनली करेक्ट होने वाली इक्वेशन करेक्ट भी हो सकती है और रॉन्ग भी, तो दोनों सही है। लेकिन एक बात बताओ, यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो क्या वो कभी भी सही हो पाएगी? बोलो, यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, रॉन्ग, तो क्या वो कभी भी सही हो पाएगी? नहीं होगी। बोलो, क्लियर है? बताओ, क्लियर है सभी को? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी। इसका आंसर क्या हो गया, सी। बोलो, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एक बात बताओ, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में बात करता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है? बोलो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। हाँ, अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूं बस। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई यूनिट होता है? क्या रेडियन? लेकिन क्या वो डायमेंशनलेस होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा है? डायमेंशनलेस। और क्या उसका यूनिट है? बोलो, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी का यूनिट हो सकता है। बोलो, क्लियर है? और क्वेश्चन नंबर 10, ऐसी क्वांटिटी जिसका यूनिट ही नहीं है, ऐसी क्वांटिटी जिसका यूनिट ही नहीं है, क्या उसका डायमेंशन भी नहीं होगा? बोलो, ऐसी क्वांटिटी जिसका यूनिट ही नहीं है, क्या उसका डायमेंशन भी नहीं होगा? क्लियर है सभी को? बोलो, क्लियर? चलो, अब क्वेश्चन नंबर 11 से 24 हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 से 24 हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चल,